मध्य प्रदेश के दमोह जिले में खुद को आग लगाने के बाद गंभीर रूप से झुलसी एक कॉलेज छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि वह परेशान थी क्योंकि एक प्रोफेसर एक साल से अधिक समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था और शिकायत करने पर उसे फेल करने की धमकियां भी देता था। अरुण पटेल एक साल से हमारी बेटी को परेशान कर रहा था कॉलेज में फाइनल ईयर में, तो सेकंड ईयर से परेशान कर रहा था। लेकिन इस और उससे ये भी बोला गया था कि घर में नहीं बताना ना तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी और कॉलेज नहीं आ पाओगी। तो उसने हमसे कुछ बताया नहीं। फिर इसके बाद उसको धमकी दी गई कि अगर तुमने मुझसे अच्छे वातावरण नहीं किए, हमसे मेल जो तालमेल बना के नहीं रखा, तो हम तुम्हारे लिए वो तुम्हारे लिए पेपरों में देख लेंगे। दिन वो फिजिक्स का पेपर था तो उस दिन इनने गंदी हरकतें करके नकल चेक की है उसके, मतलब कहीं गंद, मतलब ऐसे जो महिला को करना चाहिए ये सब इन लोगों ने किया है। और ये सब करने के बाद में और उसके चीटिंग भी, मतलब वो बातें भी ऐसी करते रहे जिससे वो शर्मों में खुद मर जाए, यहाँ आए ना दोबारा। तो ऐसा सब करते करते जब उनने जो नकल अकल के लिए ये सब कुछ किया, वो 15 मिनट नहीं हुए और उसका पेपर छीन। युवती दमोह जिले के तेंदुखेड़ा स्थित एक कॉलेज में BSc अंतिम वर्ष की छात्रा है। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि वह लड़की के परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जाँच कर रही है। संज्ञान में मामला आया था, दिन में इस युवती ने अपने ऊपर आग लगाकर अपने आप को जलाकर मारने का प्रयास किया गया, जो जिला स्थानीय अस्पताल में आई थी वहाँ से प्राथमिक तौर पर जांच के बाद उसको मुजफ्फरपुर रिफ़र किया गया। उनके परिजनों ने कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इस मामले में तत्काल जबलपुर संपर्क करके वहाँ से डाइंग डिक्लेरेशन कराने के लिए मजिस्ट्रेट को लगाया गया है। इसके अलावा थाना तेंदुखेड़ा से एक अधिकारी को भेजा गया है कि युवती और युवती के परिजनों से बात करें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।